से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि आपको पता है यदि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो टिकटॉक पे आपको 50 से 60% वीडियो आपको स्लोमो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना 4 से 5 सेकेंड तक। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट करना है। वीडियो शूट जब भी करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है वीडियो को अकॉर्डिंग। इसके बाद डन करते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और आपको ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की का इनेबल करना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। अब जब आप वीडियो प्ले कर देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ से अब आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है, 5.0 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट में शूट किया हूँ, तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको कुछ आगे की तरफ प्ले कराना है और जहाँ तक आपका ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक का पार्ट चाहिए और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। जब आप वीडियो आप प्ले कर देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, इसे आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर फिल्टर पे आना है और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर स्टार्ट हो चुका है। 10.2 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो सेकेंड पार्ट का शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इस वीडियो को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे हमें 10.2 के आसपास लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो फाइनली आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को पहले ही मैंने स्लो मोशन में कर दिया हूँ, तो आपको स्लो मोशन में कैसे करना है इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं बैकग्राउंड को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ और आपका जो वीडियो है उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैंने दोनों वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेनर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।